तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे बीएसई एंड सिविल स्टेट ऑटो एंड सैलरी सेक्टर के स्टॉक को लेकर के। ये स्टॉक ऑटो एंड सैलरी सेक्टर में कामकाज करती है, यानी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंजीनियरिंग। अगर हम लोग इनकी मार्केट कैप की बात किया जाए तो इनका मार्केट कैप 155 करोड़ का है, मतलब बहुत ही कम इनका मार्केट कैप है। और करंट प्राइस चल रहा है 17 रुपये, और हाई लगा चुका है 21 रुपये का, लो है 10 रुपये का। और स्टॉक पी है 10, स्टॉक पी की सबसे ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यू है, और बुक वैल्यू है 18 रुपये। तो अपने 18 रुपये बुक वैल्यू के नीचे मिल रहा है आपको। कंपनी डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती नहीं है, मतलब जीरो है। और ROC है 12%, ROE है 9%, फेस वैल्यू 2 रुपये की। प्रमोटर के पास 48% की होल्डिंग है, ठीक ठाक होल्डिंग माना जाता है। एडप्टू इक्विटी 0.59 है, और एनुअली प्रॉफिट 15 करोड़ का। कंपनी का डेप्ट है 94 करोड़। रिटर्न ऑन इक्विटी है 9.87%। इंडस्ट्रीज पी है 28, और EPS है 1.67 रुपये की। फ्री कैश फ्लो 17 करोड़ निगेटिव में, प्लस परसेंटेज देखें बिल्कुल जीरो है। यानी कंपनी के प्रमोटर की तरह से 1% की होल्डिंग की भी नहीं रखी गई है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जा रहा है, ना कि बाई और सेल करने के लिए। अगर आपको एंट्री करना हो तो आप अपने रिस्क पर एंट्री करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के बाई और सेल कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये स्टॉक एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जा रहा है। आपको ये वीडियो देख करके तुरंत जा करके स्टॉक को बाई और सेल नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट या एंट्री नहीं कर लेना है या सेल नहीं करना है, खुद से रिसर्च ऐड करना चाहिए। अगर हम लोग प्रोस की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.96 times बुक वैल्यू। तो अपने बुक वैल्यू के इतने करीब मिल रही है स्टॉक, 0.96 times बुक वैल्यू। और लास्ट लाइन कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है अच्छा क्वार्टर ला करके देगी कंपनी। अगर हम लोग बात करें क्या क्वार्टरली रिजल्ट की, तो मार्च वाले क्वार्टर में देखेंगे नवासी करोड़ का तो मार्च वाले क्वार्टर में देखेंगे 8.91 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। दिसंबर वाले में 8.92 करोड़ का, सितंबर में 12.86 करोड़, और जून वाले क्वार्टर में 11.34 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया कंपनी का। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें 2.70 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया कंपनी को मार्च वाले क्वार्टर में, दिसंबर में 2.86 करोड़ का, सितंबर में 5 करोड़ का, और जून में 5.13 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया कंपनी का। अगर हम लोग बात करें ईयरली बेस पे प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या है कंपनी की, तो देख सकते हैं 2023 में 42 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, 2022 में 30 करोड़ का हुआ, 2021 में 24 करोड़ का हुआ, 2020 में 21 करोड़ का हुआ। तो कंपनी कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ करती हुई दिख जाएगी, मतलब दिख रही है, क्योंकि कंपनी हर साल क्वार्टर में इंक्रीजमेंट लेकर के आ रही है, हर साल इंक्रीज अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज करते हुए आ रही है। यही नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 2023 में 16 करोड़ का है नेट प्रॉफिट, 2022 में 14 करोड़ का है, 2021 में 6 करोड़ का है, 2020 में 6 करोड़ का है। तो कंपनी अपनी नेट प्रॉफिट को भी इंक्रीज करी है। कंपनी पहले डिविडेंड पहले 2 साल डिविडेंड पे आउट की है, बट उसके बाद से अभी तक और उसके पहले भी डिविडेंड नहीं पे आउट की है, और अभी ना करती है डिविडेंड पे आउट। अगर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की हम लोग बात करें तो 5 साल में 16% है, 3 साल में 30%, TDM में 34% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है कंपनी के पास। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में 6%, 3 साल में 38%, TDM में 62% कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है। और स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 5 साल -13%, 3 साल में 0%, और 1 साल में 25% स्टॉक प्राइस CAGR। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 5 साल में 8%, 3 साल में 7%, लास्ट ईयर 10% रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी के पास। बैलेंस शीट चेकआउट करें तो इनके पास रिजर्व देख सकते हैं
144 करोड़ का रिजर्व है, वहीं कर्ज है 95 करोड़ का कंपनी के पास। तो कर्ज ज़्यादा हुआ है पहले की अपेक्षा। 2022 मार्च 2022 में पहले इनके पास 85 करोड़ का कर्ज हुआ करता था, वो कर्ज इंक्रीज होकर के 95 करोड़ का हो गया है। कैश फ्लो 5 करोड़ है कंपनी के पास और नेट कैश फ्लो 12 करोड़ है कंपनी के पास। आते हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, तो देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप कि 48.54% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास और 1.55% की होल्डिंग है FIS के पास, और पब्लिक के पास 49.91% की होल्डिंग है। तो देखा जाए अच्छा खासा होल्डिंग है पब्लिक के, प्रमोटर के पास, पब्लिक पास 50% की लमसम की होल्डिंग है। देखा जाए पब्लिक के अंदर इंडिविजुअल की होल्डिंग है या नहीं है, उससे पहले बता दूँगा, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर के आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप स्टॉक और एंजल वन दोनों का लिंक दिया गया है, तो जाइए हमारे लिंक के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और अब इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग स्टार्ट करके ही चल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट करके ही चल सकते हैं डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद। तो देख सकते हैं कुछ परसेंट इंडिविजुअल का पैसा लगा हुआ है स्टॉक के, और इस स्टॉक अंदर बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ परसेंट लगा हुआ पैसा। इस स्टॉक का नाम है प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और प्रतीका ऑटो इंडस्ट्री इन इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टर एंड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, इट इज अमोंग लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन कास्टिंग इन इंडिया। तो लीडिंग कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीनिंग कास्टिंग को लेकर के इंडिया के अंदर। तो आप इनकी वेबसाइट पर आकर के इनके बिजनेस के बारे में और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। अवर एस्टिमेटेड क्लाइंट, इनकी एस्टिमेटेड क्लाइंट कौन कौन से है, देखो स्वराज हो गया, महिंद्रा स्वराज हो गया, अशोका लीलैंड हो गया, ब्रोकर इंडिया लिमिटेड, डाना दाना हो गया, सोनालिका हो गई, ई एस एम एल इसुजू हो गया, आइसर मोटर आइसर हो गया, महिंद्रा हो गया, टैफे हो गया, स्कॉट हो गया। तो हमारे देश की जो भी ट्रैक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं वो सब की सब इनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं, और ट्रैक्टर की जो भी पार्ट पुर्जे बनते हैं, ठीक है, ये इनके हैं, मिलते हैं अशोका लीलैंड, ये सारी सभी सभी इनके क्लाइंट हैं। अगर हम इनकी टेक्निकल देखा जाए तो बहुत शानदार ये स्टॉक रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फॉलो करते हुए आगे की तरफ मूव करता हुआ है, ठीक है। ये 13 रुपये का लेवल इनका सपोर्ट है और यहाँ से निकल कर के आगे निकलता है ये स्टॉक कहाँ के लिए, 20 रुपये के लिए, और ये इनका रेजिस्टेंस फेज है, कहाँ से लेकर के 20 रुपये से लेकर के 23 रुपये तक का इनका रेजिस्टेंस फेज है। इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है ये स्टॉक, तो डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट बना करके दे सकता है लोगों को, क्योंकि कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है ईयरली बेस पे, क्वार्टरली बेस पे। तो इस स्टॉक अपने नज़रों में बना करके रखा जा सकता है, अगर सपोर्ट के पास मिले तो, अनदर नहीं तो। ये सपोर्ट है, सपोर्ट सपोर्ट की तरह काम कर रही है, सपोर्ट के पास मिले तो डेफिनेटली अपने इस स्टॉक से, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, ठीक है, और यहाँ आता सपोर्ट लेना, ये स्टॉक हम मानते हैं अभी नीचे से ऊपर से मूव कर रहा है नीचे की तरफ, अगर मिल जाता 13 रुपये के प्राइस में, और हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है ब्लू लाइन, तो 47% का आपको आराम से रिटर्न दे करके चला जाएगा ये स्टॉक, ये है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। तो ऐसे कामकाज किया जा सकता है इस स्टॉक के अंदर, तो अपने नज़रों में बना करके रख सकते हैं इस स्टॉक को। देखो दोस्तों, पैसा कमाना तो टाइम तो गंवाना होगा ही, ठीक है, कहने का हमारा मतलब ये है
अगर आपको बिना मेहनत की आप सोच रहे पैसा मिल जाए तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। आपको स्टॉक मिल गया है, आपको क्या करना चाहिए, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो, जब भी आपको आपके बाइंग प्राइस पे आए तभी बाई करो, अदरवाइज बाई हो मत करो यार। खुद का रिसर्च ऐड करने के बाद ही एंट्री किया करो किसी भी स्टॉक के अंदर। कोई यूट्यूबर बोल दे आपको डायरेक्टली आप जाकर के बाई कर लो, ये भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। और एक चीज़ कि पेनी स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करके चलना चाहिए, नहीं तो कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि रिटर्न तो बहुत अच्छा दे देते हैं, ठीक है, कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं जो रिटर्न बिल्कुल नहीं देते हैं, और तो और आपकी वो कंपनी ही ख़त्म हो जाती है कुछ टाइम बाद, हमने माना है 1 साल बाद नहीं 5 साल बाद से ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और स्टॉक के अंदर जब भी प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट बुकिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे लोग प्रॉफिट तो आती है बट प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं और सोचते हैं ये स्टॉक ऊपर जाएगा, वो अपने रेजिस्टेंस को फेज करके नीचे चला आता है, यानी 50% का जो भी उनके यहाँ प्रॉफिट दिख रहा था वो प्रॉफिट नहीं दिखेगा। समझिए कि हमारे पास 100% की प्रॉफिट आ रही है तो हम अपने कैपिटल को निकाल लें, मतलब आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगर आपको 100% प्रॉफिट दिख रही है तो आपको अपनी कैपिटल यानी हमने जो पैसा लगाया था उस पैसे को निकाल लेना चाहिए, ताकि इन द फ्यूचर अगर वो 10x का रिटर्न दे रही तो ठीक है हम अपनी प्रॉफिट से बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं से वो रिवर्सल मार दी नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड चालू हो गया तो क्या करोगे आप, उस केस में आप फंस जाओगे, आप वेट करोगे अब जाएगा उस टारगेट को टच करने और वो स्टॉक आपके कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाएगा, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि निगेटिव में चला जाता है स्टॉक, तो आप प्रॉफिट में आ करके भी अल्टीमेटली लॉस में ही हो, तो कुछ तो मतलब रह नहीं जाता, ठीक है। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आपकी क्या आपको अपनी कैपिटल निकालना चाहिए 100% प्रॉफिट आने के बाद। लेकिन वो अलग अलग केस में है, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट स्टॉक है तो 50% का आराम से आपको रिटर्न देकर के चला जाएगा, 50% इन द सेंस 47% 45% का रिटर्न आराम से देकर चला जाएगा स्विंग ट्रेड। अगर लॉन्ग टर्म के लिए वो 100% की प्रॉफिट मिल रही है तुरंत अपने कैपिटल बुक करो और प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हो, आपका जो प्लान 5 साल 10 साल जो भी है उस चीज़ के लिए होल्ड करके चल सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है ना कि बाय और सेल करने के लिए, अगर आपको एंट्री करना हो तो आप अपने रिस्क पर एंट्री करके चल सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के बाय और सेल करके चल सकते हैं।